डियर स्टूडेंट, आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं वो क्या है, सिंगल स्लिट फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम द शार्प अपर्चर और एज, जैसे ब्लेड होता है, ब्लेड में शेविंग करते हैं तो शार्पनेस होती है एज पे। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द शार्प अपर्चर और एज, इट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ इन द सेम मीडियम। It deviated from its path in the same medium. This phenomena is known as diffraction of light. जब light किसी sharp edge पर incident होती है तो उस same medium में वो अपने path से deviated हो जाती है। इस phenomena को क्या कहते हैं? What we call it? Diffraction of light. कैसे? एक simple diffraction आपको हम समझाने की कोशिश करें। तो हमारे पास एक sharp aperture, शार्प एज है, इसे आप आराम से देखना। ये देखिए, ये शार्प एज है हमारे पास। ये एज दिखाई दे रही है आपको शार्पनेस पे, हाथ राइट। लाइट इंसिडेंट हो रही है इस पे, पहला ला रही है राइट। यहां पे हमने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर रखा है और यहां पे स्किन है, स्किन। अगर ये शार्प अपर्चर ना होती, मतलब एज ना होती, तो लाइट सीधी जाती और हमने इसे लेंस के फोकस पे रखा हुआ है स्किन को, तो यहां पे फोकस हो जाती। बट ड्यू टू दिस शार्प अपर्चर लाइट डेविएटेड फ्रॉम इस पाथ इन द सेम मीडियम। लाइट डेविएटेड होगी अपने पास से और पी पॉइंट पे इंसिडेंट होगी। ये ए बी है स्लिट, विड्थ ऑफ द स्लिट, इसको डॉटेड करके मिला। ये जो लाइट रे बी ए पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंच रही है और ये लाइट रे जो बी पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंच रही है, व्हाट हैपन विद इट, बी से जो लाइट रे पी पॉइंट पे पहुंच रही है, दैट इज ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस। यहां से परपेंडिकुलर डाला एम, दैट इज 90 डिग्री। थीटा एंगल डेविएशन एंगल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसकी विड्थ कितनी है, स्मॉल है। When the light passes through the sharp aperture, it deviated from its path in the same medium. This phenomena is known as diffraction of light. और हम कौन सा diffraction कर रहे हैं इसमें? Fraunhofer single slit diffraction pattern. हमें diffraction pattern कैसे मिलता है? यहाँ पे हमें central bright fringe मिल जाती है, उसके बाद brightness goes on decreasing चलती है। Distance between slit एंड स्किन कैपिटल डी है। इन ट्रायंगल बीएमए एएमबी साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटे, दैट इज बीएम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एबी, बीएम अपॉन ए, बीएम इज इक्वल टू ए साइन थीटा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। यहां बीएम हमारा क्या कहलाता है, पाथ डिफरेंस। फॉर मिनिमा डार्क फ्रिंज बीएम किसके बराबर होगा, एम लैम्डा के। इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, आपके पास ए साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटे, एम लैम्डा के बराबर आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन ए। यहां एम की वैल्यू कितनी थी बेटे, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एम जीरो नहीं होगा बिकॉज द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा है, ये डार्क फ्रिंज के लिए हो रहा है डार्क। फॉर एम इज इक्वल टू 1,
तो साइन थीटा वन किसके बराबर हो जाएगा, वन इंटू लैम्डा पौन ए, साइन थीटा वन को थीटा वन लिख लेंगे, दैट इज लैम्डा पौन ए बिकॉज थीटा स्मॉल, थीटा क्या हमारा स्मॉल है। एम इज इक्वल टू टू, थीटा टू इज इक्वल टू टू लैम्डा पौन ए एंड सो ऑन, थीटा एम इज इक्वल टू एम लैम्डा पौन ए। तो आपको डार्क फिंजेस किस में मिलेंगी, प्लस माइनस लैम्डा बाई ए, प्लस माइनस टू लैम्डा बाई ए एंड सो ऑन। फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट, आपके पास जो ब्राइट फ्रिंजेस है। अब मैक्सिमा के लिए क्या होगा, जो हमारे पास पार डिफरेंस होगा वो होगा टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, वे एन इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। जीरो किसको इंडिकेट कर रहा है, सेंट्रल फ्रिंज को इंडिकेट कर रहा है, और यहां पे सेंट्रल फ्रिंज कैसी मिल रही है हमें, ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। क्या ऑब्टेन होगा हमें, दैट इज ए साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू, एंड दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लैम्डा बाई टू ए। अब एन इज इक्वल टू वन रखेंगे तो साइन थीटा वन को हम लिखेंगे थीटा वन, तो थीटा वन कितना हो जाएगा आपके पास, टू इंटू वन प्लस लैम्डा बाई टू ए, दैट इज थीटा वन इज इक्वल टू थ्री लैम्डा बाई टू ए। एन इज इक्वल टू टू रखेंगे तो थीटा टू कितना हो जाएगा, फाइव लैम्डा बाई टू ए। तो आपको मैक्सिमा किस पे मिल रहा है, प्लस माइनस थ्री लैम्डा बाई टू ए प्लस माइनस फाइव लैम्डा बाई टू ए प्लस माइनस सेवन लैम्डा बाई टू ए एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सिंपल एक डेरिवेशन है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के लिए। कौन से डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के लिए, फ्राउनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। इसमें हमें एक चीज और ऑब्टेन होती है, हमारी जो सेंट्रल फ्रिंज होती है सेंट्रल फ्रिंज हमारी ऐसे बनती है, ये लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, एक्स डैश होता है, एक्स डैश होता है। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, यहां पे विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, दैट इज ये एक्स होती है, ये सेंट्रल मैक्सिमा आपका। उसके बाद सबसे डायरी मैक्सिमा मिलेंगे आपको, इस तरह से मैक्सिमम गोज ऑन डिक्रीजिंग चलेंगे, डी टू डी थीटा। तो एक्स डैश कितना हो जाएगा, टू डी लैम्डा बाई ए, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। बच्चों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट इंटरवल और बहुत सही तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब शॉर्ट इंटरवल में आपको पूरी नॉलेज गेन कराने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अभी तक लाइक भी बनता है और शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक की बोर्ड से पहले लगभग सभी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।